नमस्कार मु आपण मानकु प्रभु जीशुंकर पवित्र नाम रे स्वागत जणाए ए उपासना मध्य को माने प्रभु को धन्यवाद दऊ जे से आज आम मानकु एपरी समय देइछंती तांकर पवित्र उपस्थिति मध्य को आसीबा पई आशा और विश्वास करूछि आपण माने प्रभुंकर अनुग्रह रे समस्ते परिवार सहित कुशल रे अछंती तेबे आम माने आसु जेतेबेले प्रभु आम मानकु ए सुजोग देइछंती आम माने प्रार्थना सहित ए उपासनाटी आसुआ मैंने आरंभ करवा समस्ते चक्षु बंद करवा मैंने प्रार्थना करवा मंगलमय स्वर्गस्थ पिता प्रिय प्रभु जीशु आम तुम पवित्र नाम धन्यवाद दौचु कारण तुम्हें आम मान जीवंत पिता जे आम मान मुक्ति निम्ते उद्धार निम्ते निजर प्राण दान कले पुणी तृतीय दिवस मृत्यु उठी प्रभु पुनरुत्थित हो आम मान आउ थ आशा दे अनंत राज्य मध्य को नहीं जावाई तुम से पवित्र नाम धन्यवाद दौचु आओ प्रभु अनेक लोक मध्य तुम्हें आम मानी अनुग्रह देचे आम तुमको प्रभु आम मान पिता बोली संबोधन करने प्रभु सुजोग पाई एत बड़े ए प्रभु सुजोग देच तुम्हारी पवित्र उपस्थित निकट को आसवापी ए वीडियो माध्यम जिते जन भाई भी मैंने प्रभु तुम वाक्य शुणे उपासन भाग ने सान ठू बड़ प्रत्येक जन को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर बोली प्रभु आम प्रार्थना करुच्छू पिता तुम्हें दया कर ये बड़े प्रभु ये समय टी आम तुम कर्तृत्वाधीन करूछु तुम आत्मा आम प्रत्येक जन को आवरी रखतु पुणी तुम आत्मा को उपस्थित दे आम प्रत्येक जन को आशीर्वाद करूँ बोली आम प्रार्थना करुचु आज प्रभु तुम प्रिय दास तुम से स्वर्गर वाक्य आम प्रत्येक निकट प्रकाश कर जेपरी आम प्रत्येक जन प्रिय प्रभु विश्वास रे तुम ठारे बुद्धि लाभ करू करू तुम सहित चलने बल पाइबू ये दया कर ये समय टी तुम हाथ में समर्पण कै प्रार्थना त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु नाम मागुअु आमेन आउ थे आपण मान प्रत्येक को मंडली तरफ स्वागत जनाए शुभेच्छा जनाए आसत आम मैंने गोटे गीत गायबा आीत मध्यम आम मैंने स्वर्गस्थ पितांर धन्यवाद आ प्रशंसा आउ आराधना करवा तुमे अद्वितीय कुंभकार मुझे धरार मृतिका मात्र तुमे अद्वितीय कुंभकार मुझे धरार मृतिका मात्र तुम इच्छा मते गढ़ी तो तुम इच्छा मते गढ़ी तोल मते तुम उपयोगी एक पात्र तुम लगे हे बहुत तुम्हें अद्वितीय कुंभकार मुझे धरार मृतिका मात्र नियंत्रण गति स्थिति मोर तुमरी सेवारे कर व्यवहार
ବିଶ୍ୱାସରେ ରଖ ସଦା ମୋତେ ସ୍ଥିର ଅସାର ଜଗତେ ନ ହୁଏ ଅସ୍ଥିର ସଦା ମୋର ଚିତ୍ତ କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦା ମୋର ଚିତ୍ତ କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶୁଭ୍ର ରହୁ ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ର ରହୁ ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ର ତୁମେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କୁମ୍ଭକାର ମୁଜେ ଧରାର ମୃତ୍ତିକା ମାତ୍ର ସାଗରେ ଜୀବନର ତରି ଖୋଲି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ମୋର ଦେଖିବି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମର କର ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ଅବା ତୁମ ଦାସ କର ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ଅବା ତୁମ ଦାସ ନ ହୁଏ ମୁଁ କଦାପି ବିବ୍ରତ ମୁଁ ଯେ ତୁମ ଗଢ଼ାଏ ଏକ ପାତ୍ର ତୁମେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କୁମ୍ଭକାର ମୁଁ ଯେ ଧରାର ମାତ୍ର ଏତେବେଳେ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କାଉଁରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ବାଇବଲ ସୋସାଇଟି ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଜିଲାରୀର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ, ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ସମୟଟିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଖାଉରୀ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଉଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ଼ର ପାଳକ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାଇବଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଜିଲାରୀ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜଣାଏ। ଆଜି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବାଇବଲ ପୋର୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6:33। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆସୁ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
स्वर्गीय पिता धन्यवाद हो तुम पवित्र नाम तुम्हें आम मान सहवर्ती परमेश्वर हल यही सुंदर दिन पाई मैंने धन्यवाद हो विशेषकर तुम्हें आम मान हृदय मन आत्मा प्राण को प्रभु तुम्हें कंट्रोल कर आम मान हृदय तुम्हें खोली दियो जपरी आम मैंने तुम वाक्य शुणा पार एवं हृदय रखा पार्बू से वाक्य अनुसार आम मैंने चली पार तुम्हें साहय कर मत लुचाओ हजाओ एवं तुम्हारी वाक्य तुम्हें निजे प्रकाश कर धन्यवाद पूजा प्रशंसा तुमको दे प्रिय प्रभु जीशु नाम छोटे प्रार्थना करुच्छे आमेन। आज जो वाक्य आम मैंने पढ़िलु अति सुंदर भाव आम मान आह्वान कै जे आम मैंने राज्य एवं धार्मिकतार अन्वेषण करवा आम मैंने अनेक थर शुणी आसीअु डेली न्यूज कौन डेली वेजेस डेली मास डेली बेसिस ए प्रकार अनेक विषय मैंने शुणी आसीअु डेली रूटीन एंड अनेक विषय डेली 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 विषय किंतु आज गोटे विषय मैंने चिंता करवा जहाँकि डेली बिजनेस बाबत आई जो डेली बिजनेस को ओडिया कह दैनिक व्यापार यही दैनिक व्यापार गोटे विश्वास जीवन में कौन हबार आवश्यक से विषय आम मैंने जानवाक पार्छूँ से विषय आम मैंने चिंता करवा आज आलोचन दैनिक व्यापार गोटे विश्वास जीवन में कौन होता है वर्तमान परिस्थिति रे आम मैंने समस्ते अंगांगी भाव में जड़ित जे सामाजिक क्षेत्र एवं अर्थनैतिक क्षेत्र कि भली प्रभावित होपरी आम मान धार्मिक क्षेत्र प्रभावित अटे यह मान दैनंदिन जीवन में प्रभाव पकाए एवं आम मान विश्वास जीवन आम मान व्यक्तिगत जीवन में प्रभावित कर आत्मिक जीवन आम मान प्रवाहित कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितिर तार जीवन और जीविकार जना पड़ी थाए अर्थात जदि जीविका नहीं जीवन कष्टकर जीवन विपदपूर्ण होता है विश्वास आत्मिक जीवन तार आत्मिक कार्य पर निर्भर करिथाए ताहा विश्वास दैनिक व्यापार अटे अतः विश्वास दैनिक व्यापार विषय आज मैंने आलोचना जो करुचु मैंने डेली बिजनेस ऑफ अ बिलीवर मैंने कही पारिबा आ से विषय फिर कौन ख्रीष्टों शरीर भाव आम एक योजनाबद्ध समय आम मैंने चलुचु गोटे योजनाबद्ध भाव आम मैंने गति करुचु यही समय आम दृष्टि स्थिर रहा आवश्यक अटे जिते बम चलुचु आम मान दृष्टि स्थिर रहा आवश्यक अटे जहाँ देखुं जहाँ शुणुं जहाँ प्रार्थना करुंचा योजनाबद्ध भाव हवा आवश्यक अटे देट सुड बी एन स्ट्राटेजिक से आपणकर विजन को एवं आपण स्ट्राटेजी को अर्थात आपणकर दर्शन को एवं आपण योजना को मार्जित करती मार्जित योजना मार्जित दर्शन जदि आम मान अच्छी ताहले आम मानकर उत्तम दृष्टि आम मैंने आग को बढ़ी पार कारण ख्रीष्ट ही आम मानकर योजनार मार्गदर्शक एवं ख्रीष्ट ही आम मानकर केन्द्रबिंदु अटंती से माथ्यू लिखित सुसमाचार छबर 33 अध्याय यही कथा मैंने पढ़िलु तुम्हें प्रथम ताहांकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर आउ एही समस्त विषय मध्य तुम मान को दिया जीवो प्रिय बंधु जो आम मैंने रास्त चली जाओ जदि कुहुड़ी थाए ताहले आम मैंने रास्ता क्लीयरली देखी पारु ना देयर इज नो क्लैरिटी से प्रकार जदि आम मान जीवन रास्त जदि कौन सी प्रकार पाप रूपक कुहुड़ी थाए ताहले आम मान जीवन पथरे आम मैंने हुए तो भूल रास्त चली जाई पारु तेणु प्रभु आम मान साहय करतु जेपरी आम मैंने उत्तम भाव देखिपर से उत्तम पथरे आम मैंने चली पार अनेक प्रवासी मैंने जो मैंने आसुले रात्रि समय से चलवाक पड़ूला रात्रि काल अनेक कष्ट गति करुले अनेक समस्या दे से गति करुले प्रकार आम मान जीवन पथ मध्य
पथ जीवन पथ हे पारे पारिवारिक पथ हे पारे सामाजिक पथ हे पारे मंडली रूपक पथ ए समस्त पथरे दुईटी विषय माने देखा पारु गोटे हूँ जागतिकता एवं आउ गोटे हूँ आत्मिकता किंतु आज आम मैंने केतोटी सरल और प्राक्टिकल विषय गुड़ी को माने आलोचना करिबा आम मानकर दैनंदिन व्यापार सब्जेक्ट उपरे डेली बिजनेस जो मैंने कहूँ दैनंदिन व्यापार गोटे विश्वास जीवन में कौन हवा आवश्यक एवं कि प्रकार भाव से आग को बढ़िया आवश्यक कि प्रकार भाव से चलिया आवश्यक तार दैनंदिन जीवन में कौन हवा आवश्यक से विषय में अल्प चिंता करुच्छे। प्रथम ईश्वर उपस्थित आम मान दिन आरंभ करवा आवश्यक ईश्वर उपस्थिति सबुठ इम्पोर्टेंट आम मान दिन सब कार्यपेक्षा जो आम मैंने सका उठुचु ईश्वर सानिध्य को उपस्थिति को उपलब्धि करवा आवश्यक अटे। कलोसिया मंडली निकट को प्रेरित पाउल लिखुचंद तार तीन अध्याय एक आउ दुई पद लेखा जाए तुम्हें माने जेबे ख्रीष्ट सहित उत्थित होइअछ तेबे ईश्वर दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट ख्रीष्टंकर जेउ बासस्थान सही स्थान सही ऊर्ध स्थान विषय सब अन्वेषण कर पार्थिव विषय आसक्त न होइ ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हुअ लेखा जाए पार्थिव विषय आसक्त न होइ ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हुअ ऊर्ध स्थान विषय सब अन्वेषण कर आम मानक ऊर्ध स्थान विषय सब अन्वेषण करवा आवश्यक अटे। ऊर्ध स्थान विषय सब आम कि प्रकार अन्वेषण करवा पाउल गोटे कथा कहती फिलिपियो तार तीन अध्याय चौदह पद रे पश्चात विषय सब मनरु दूर करी सम्मुखरे थिबा विषय गुड़िक प्रति दृष्टि रखी ख्रीष्ट जीशुंक ठारे ईश्वर स्वर्गीय आह्वानर पण पाइबा निमन्ते प्राणपण करी लक्ष्य स्थल को दौड़ी अच्छे पाउल लक्ष्य स्थल को दौड़ पाउल एक लक्ष्य से दौड़ प्रभु सानिध्य को से उपलब्धि करी तो जीवन जापन करुंट जदि आम मान लक्ष्य एपट सेपट हो जाए जदि आम मान लक्ष्य भ्रष्ट हो जाओ ताहले आम मैंने हुए तो सठिक जगार आम मैंने पहुंची पारा ना तेणु पाउल आम मान एनकरेज कर उत्साह देखते जीवन रू आम मैंने जापरू तर कार्यू आम मैंने जापरू जे जेपरी पाउल लक्ष्य स्थल को दौड़ी पारे आम मैंने से लक्ष्य स्थल को आम मैंने पहुंचा आवश्यक आम मान प्रार्थनार समय आम मान वाक्य ध्यान समय केवल से ही ऊर्ध स्थान को लक्ष्य करवा आवश्यक जिते आम प्रार्थन बसु जिते आम वाक्य पठन करने अर्थात ध्यान करने बसु ताल आम मान दृष्टि से ऊर्ध स्थान प्रति हवा आवश्यक केवल से ऊर्ध स्थान को लक्ष्य रखी सत्य भाव एवं आत्मा चालन प्रार्थना करवा जदि ताल सेठारे आमाने ईश्वर उपस्थिति को आमाने उपलब्धि करि पारिबा जदि गोटे उदाहरण देवी दाऊदंकर उदाहरण से को प्रकार भावरे ऊर्ध दृष्टि रखिथिले से लेखंती दाऊदंकर गीत तार 27 गीतर 4 पद लेखा जाए मु सदा प्रभुंक सौंदर्य देखिबा पाए ओ ताहांक मंदिर रे अनुसंधान करिबा पाए जेपरि जावज्जीवन सदा प्रभु गृह रे बास करिबी एही एक विषय मु सदा प्रभु निकट रे मागी अछि ताहा ही मु अन्वेषण करिबी। प्रिय मंडली आम को विषय अन्वेषण करूछु आमंकर इच्छा कौन आम कौन अनुसंधान करूछु दाऊद कहिले जीवन रा शेष मुहूर्त पर्यंत जावज्जीवन सदा प्रभु सौंदर्य देखा पाए मंदिर अनुसंधान करी आज आम मैंने से प्रकार अनुसंधान करार आवश्यक जेपरी आम मैंने आम मान जीवन जात्रारे जावज्जीवन सदा प्रभु गृह से बास करी बोली जेपरी दाऊद कहले आम मान जीवन से गोटे विषय आम मैंने प्रार्थना करवा आवश्यक
समर्पित हृदय सहित आम मैंने डिसीजन नबार आवश्यक दाऊद भली आम मान दृष्टि से ऊर्ध स्थान रखिबार आवश्यक ताहले आम मैंने उत्तम विषय आम मैंने पाई लक्ष्य स्थल में पहुंची पारिबा ईश्वर सानिध्य आम मैंने उपलब्धि करिपारिबा से तो लिखा जाए ऊर्ध स्थान विषय सब अन्वेषण कर पार्थिव विषय आसक्त न हो ऊर्ध स्थान विषय आसक्त हुआ। आजिकल अनेक समय आम मैंने ऊर्ध स्थान विषय आसक्त न हो बर जागतिक विषय आम मैंने आसक्त हो जाए कि प्रभु आम मान को आह्वान दिखती वाक्य मध्यम लोक मध्यम जेपर आम मैंने ऊर्ध स्थान प्रति दृष्टि रखा एवं ऊर्ध स्थान विषय अन्वेषण करवा एवं ऊर्ध स्थान विषय आसक्त हो पारा। दाऊद फेर कहते प्रभात तुम्हर स्नेहपूर्ण करुणार कथा मत सुनाओ कारण मु तुम्ह ठारे भरोसा रखे मोहर गंतव्य पथ मत जनाओ। यही प्रार्थना कर आम मान आवश्यक नुह कि आम मान प्रत्येक दैनन्दिन जीवन रही प्रथम ईश्वर उपस्थिति उपलब्धि करवा एवं दिन टी ईश्वर उपस्थिति रे आरंभ करवा से आम मान दैनन्दिन जीवन प्रथम बिजनेस हो। द्वितीय कथा आम मान दैनन्दिन व्यापार द्वितीय विषय ईश्वर वाक्य वृद्धि पाइबा ईश्वर वाक्य वृद्धि पाइबा विषय कलसीय मंडली निकट को प्रेरित पाउल लिखुं तार तीन अध्याय षोल पद गोटे कथा ख्रीष्ट वाक्य प्रचुर भाव तुम्ह मान बास करू तुम्हें माने परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा और चेतना दियो। प्रचुर भाव ईश्वर वाक्य आम मान निकट बास करने आवश्यक अटे एवं संपूर्ण ज्ञान पाइबा आवश्यक अटे आ संपूर्ण ज्ञान पाइबा निमन्ते आम मैंने निश्चय ईश्वर निकट में आम मान समर्पण हवा आवश्यक से आम मान आत्मा द्वारा आम मान वाक्य बुझापाएं आम मान ज्ञान प्रदान करेंगे आम मान शिक्षा देवे एवं आम मान चेतना देवे आम मान जाए प्रचुर भाव बास कर ईश्वर वाक्य आम मान निकट में बास कर संपूर्ण ज्ञान आम मैंने पाई ज्ञान पूर्ण हो पार बुणाली वाक्य बुणे लेखा जाए मार्क चार पर्व चौदह पद किंतु ता तल अंश मानक देखिए तार अठर पर्व पदर कोड़े पद पर्यंत जदि आप देखिए कंटकमय भूमि और उत्तम भूमि दृष्टांत विषय सांसारिक चिंता धनर माया एवं अन्य समस्त विषय समस्त प्रकार लालसा प्रवेश करी वाक्य को चापी पकाए किंतु जो माने वाक्य शुणी ताहा ग्रहण करती से माने 30 गुण 60 गुण और 100 गुण फल फलती से माने बुणा जाइथिबा उत्तम भूमिर सदृश। ईश्वर वाक्य केवल संडे सर्विस रे ही नुह केवल रविवार उपासना रे ही नुह किंवा से गोटे दिन पाई ही नुह किंतु ईश्वर वाक्य प्रतिदिन प्रतिदिन आम मान आवश्यक अटे जेपर आम मान बंचीबार निमंते आम मैंने खाद्य खाई था से ही प्रकार आम मान आत्मिक जीवन निमंते आम मैंने प्रतिदिन ईश्वर वाक्य पढ़ा आवश्यक ध्यान करने आवश्यक सानिध्य उपलब्धि करवा आवश्यक आम मान से वाक्य अनुसार आम मान चलिवे प्रभु आम मान सा करें ईश्वर वाक्य लिखा जाए विश्वास श्रवण रु जात किंतु वृद्धि ईश्वर वाक्य अध्ययन रु जात हुए तेणु केवल विश्वास करने जथेष नुह विश्वास करने सहित आम ईश्वर वाक्य मैंने पढ़ा आवश्यक ईश्वर वाक्य को मैंने ध्यान करने आवश्यक ईश्वर वाक्य अध्ययन करने आवश्यक आम मैंने वृद्धि पाई आम मान आत्मिक जीवन अभिवृद्धि हो पार आम मान विश्वास जीवन रोटे उचित विषय विश्वास जीवन जो विषय आवश्यक
সেই বিষয়টাকে আমি ফুলফিল করে পারিব। দ্বিতীয় তিমোথী তার তিন পর্বর ষোল পদরে গোটে কথা লেখা যায়, সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বর নিঃশ্বসিত এবং শিক্ষা অনুযোগ সংশোধন ও ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসন নিমন্তে উপকারী। সতেরো পদ লেখা যায়, যেপরি ঈশ্বরঙ্ক লোক সিদ্ধ হয়ে সমস্ত উত্তম কার্য নিমন্তে সুসজ্জিত হুয়ে। প্রিয় বন্ধু, বিশ্বাসী মানুষ সুসজ্জিত হওয়া পাই ঈশ্বরঙ্ক বাক্যর আবশ্যক, কারণ ঈশ্বরঙ্ক বাক্য তাঙ্কর মুখ নিঃসৃত বাক্য এমানকু শিক্ষা দেই থায়, এমানকু অনুযোগ করি থায়, এবং এমানকু সংশোধন মধ্যে করি থায়, এবং সমস্ত প্রকার শাসন সম্বন্ধে এমানকো নিমন্তে উপকারী মধ্যে অটে। এণু গীত রচক লেখন্তি তার শহে উনিশর ছত্রিশ গীতরে, লোভ প্রতি নুহে মাত্র তুম্ভ প্রমাণ বাক্য প্রতি মো চিতর স্নেহ জন্মাও। গীতরত অতি সুন্দর ভাবে লেখুচান্তি শহে উনিশর ছত্রিশে, লোভ প্রতি নুহে মাত্র তুম্ভ প্রমাণ বাক্য প্রতি মো চিতর স্নেহ জন্মাও। আমার দৈনন্দিন জীবনর দৈনন্দিন ব্যাপারর দ্বিতীয় বিষয়ে আমি দেখিলু ঈশ্বরঙ্ক বাক্যরে বৃদ্ধি পাইবা। বর্তমান আমি দেখিবা দৈনন্দিন ব্যাপারর তৃতীয় বিষয়, দৈনন্দিন ব্যাপারর তৃতীয় বিষয়ে আমি চিন্তা করে পারিবা আমার কার্য ঈশ্বরঙ্ক গৌরব নিমন্ত হওয়া আবশ্যক। আমি সকাল উঠিলা পরে পরমেশ্বরঙ্ক সান্নিধ্য উপলব্ধি করুছু প্রার্থনার সহিত, তাপরে দ্বিতীয় বিষয় আমি দেখিলু যে ঈশ্বরঙ্ক বাক্য আমি ধ্যান করুছু, তাপরে আমি যে কোনসি কার্য মধ্যকু আমি যাই থাও, যে কোনসি কার্য করিবা পাই আমি যাই থাও, যে কোনসি কার্যরে আমি ইনভলভ হই থাও, আর এই সমস্ত কার্য প্রভুঙ্কর গৌরব নিমন্ত হওয়া আবশ্যক। তেণু আমার দৈনন্দিন ব্যাপার বা গোটে বিশ্বাসী জীবনর দৈনন্দিন ব্যাপার সেমানকর কার্য প্রভুঙ্কর গৌরব নিমন্ত হওয়া আবশ্যক অটে। কলসীয় তার তিন অধ্যায়ের ষোল পদরে গোটে কথা লেখা যায়, তুমি মানে যাহা কিছু কর প্রভুঙ্ক নিমন্তে কলাপরি অন্তর সহ তাহা কর, মনুষ্য নিমন্তে কলাপরি কর নাহি। যে কোনসি কার্য করু প্রভুঙ্ক সান্নিধ্যকে উপলব্ধি করে এবং প্রভুঙ্ক নিমন্তে কলা ভি প্রভুঙ্ক পাই আমি করিবা আবশ্যক, কিন্তু মনুষ্য পাই আমি কলা ভি নুহ। ভেরি স্ট্রিক্টলি অতি সুন্দর ভাবে ঈশ্বরঙ্ক গৌরব নিমন্তে তাঙ্কর বাক্য আমমানঙ্ক নিকটে প্রকাশ করন্তি। ঈশ্বরঙ্ক বাক্য আমমানঙ্ক মধ্যে প্রকাশ করে যে প্রভুঙ্ক পাই আমি উত্তম কার্য করু, আর প্রভুঙ্ক পাই আমি যে কার্য করু সেই কার্য আমমানঙ্কর অন্তরর সহিত আমমানঙ্কু করিবা আবশ্যক অটে। আমি কোনসি মনুষ্য নিমন্তে আমি করু নাহু, কিন্তু পরমেশ্বরঙ্কর গৌরব নিমন্তে যে কোনসি কার্যরে আমমানে লিপ্ত অটু, যে কোনসি কার্যরে আমমানে করুছু, আমি ভাবি দেখিবা আমি চিন্তা করিবা আবশ্যক যে এই কার্য দ্বারা কোন পরমেশ্বর গৌরব পাইবে, এই কার্য দ্বারা কোন পরমেশ্বরঙ্কর মহিমা হব, এই কার্য দ্বারা কোন ঈশ্বর গৌরব পাইবে, এই কার্য কোন মু উত্তম কার্য করুছি কি, তাহলে আমানকু কোন করিবা আবশ্যক, কি প্রকার আমানে করিবা আবশ্যক। বিভিন্ন প্রকার কার্য মধ্যরু বীজ বুনিবার হচ্ছে গোটে কার্য অটে, সেই বাক্য রূপ বীজকু আমানে বুনিবার সেই গোটে উত্তম কার্য অটে এবং অতি মহান কার্য অটে। বাক্য রূপ বীজকু বুনিবা, কারণ বাক্যকু বীজ সহিত তুলনা করা যায়, তেণু এই কার্যটি আমমানে প্রত্যেক বিশ্বাসী করিবা নিহাতি আবশ্যক। এ হচ্ছে আমমানকর দৈনন্দিন ব্যাপারর গোটিয়ে কার্য অটে, তেণু গোটিয়ে বিশ্বাসী জীবনরে নিহাতি পক্ষরে এবং নিশ্চিত ভাবরে বীজ বুনিবার কার্য অর্থাৎ বাক্যকু প্রচার করিবা কার্য আমমানে করিবা আবশ্যক অটে। কেউটি প্রচার করিবে, আজিকালি তো সবু জায়গায় বন্ধ, আপন মানে প্রচার করি পারিবে, আমমানে প্রচার করিবা আমমানকর পরিবাররে ঈশ্বরঙ্ক বাক্য কহি পারিবা, যদি কোনসি পড়োশীঙ্ক নিকটরে কিংবা বন্ধুমানঙ্ক নিকটরে
आज सीना गोटे सुजोग थी ईश्वर वाक्य प्रचार करने यूट्यूब मध्यम कि फेसबुक मध्यम कि जूम मध्यम कि आप मैंने समस्ते गोटे सुजोग आम मैंने डेफिनेटली आम मैंने जाणीछु आम मान बंधु सहित आम मैंने कहीपरिया सेयर कर आम मान पर आम मैंने आलोचना कर प्रिय दर्शक प्रिय श्रोता बंधु मैंने आपण मध्य वाक्य बीज बुणी पारे यही कार्य लिप्त हो पारे आसत अन्न्य प्रकार बीजर बुणवा कार्य पारे से समस्त गुड़ाक कौन से समस्त गुड़ाक हो प्रार्थनार बीज बुणी पारे अन्य मानंकु साहाज्य करिवार बीज बुणी पारे सहयोगर बीज बुणी पारे सांत्वनार बीज बुणी पारे उत्तम कार्य करिवार बीज बुणी पारे एक प्रकार अनेक बीज आपण माने बुणी पारे प्रभु राज्य निमंते आपणकर समय उचित विनियोग आपणकर अर्थर विनियोग आपणकर प्रतिभार विनियोग ए समस्त गोटे गोटे मूल्यवान बीज अटे आउ ए समस्त बीज आपण माने निश्चय बुणी पारे ईश्वर यही महामारी समय दुर्दिन समय दुर्भिक्ष समय आम समस्त को ये सुजोग दे आम मैंने समस्ते यही समस्त बीज बुणवार कार्य लिप्त रहा आवश्यक अटे एवं आम मैंने समस्त कार्य कर आदि पुस्तक 26 पर्व जो इसहाक विषय मैंने देखु ईश्वर इसहाक को दुर्भिक्ष समय प्रतिज्ञा ने आदि पुस्तक तार 26 अध्याय तीन पद लिखा जाए यही देश में प्रवास कर परमेश्वर कहते तहिरे आम्भे तुम्हारे सहाय हो तुमको आशीर्वाद करिबा परमेश्वर इसहाक को कहिले यही दुर्दिन समय तुम्हें आ कुआडे जीवा आवश्यक नुह यही प्रवास कर तहिरे आम्भे तुम्हारे सहाय हो तुमको आशीर्वाद करिबा आ तल अंश जदि आम देखुचु तार बार पदरे इसहाक आज्ञा पालन करे परमेश्वर आज्ञा को पालन कले से ही देश में कृषि कर्म करी सही वर्ष सहे गुण लाभ कले ईश्वर वाक्य लिखा जाए पुणी सदा प्रभु ताकु आशीर्वाद कले दुर्भिक्ष समय रे सुखिला भूमि रे चाष करिबा गोटे कष्टकर विषय हो पारे हुए तो अन्य माने जो माने देखु थिबे से माने हुए तो भावु थिबे ए व्यक्ति जन जने पागल व्यक्ति अन्य माने हुए तो से माने भावु थिबे ए पागल व्यक्ति कौन करिया को जाउछि किंतु से ईश्वर को प्रतिज्ञा को विश्वास करितिले ईश्वर को उपरे भरोसा करितिले एवं ताहा ही तांको जीवन रे से सफल होइ पारिथिला ईश्वर को प्रतिज्ञा तांको जीवन रे सफल होइ पारिथिला ईश्वर विभिन्न समय रे इस्राएल लोक मान को विभिन्न प्रकार भाव रे तांकरी सांत्वना बाणी अभयर बाणी देइथिले सही प्रकार जिशा भविष्य वक्ता मध्य प्रकाश करती तार 41 अध्याय 10 पद रे तुम्हें भय कर ना कारण आम्भे तुम्भ संगरे अछु निराश हुओ ना कारण आम्भे तुम्भर परमेश्वर आम्भे तुम्भ को सबल करिबा हाँ आम्भे तुम्भर साहाज्य करिबा हाँ आम्भे अपनार धर्म स्वरूप दक्षिण हस्तरे तुम्भ को धरि रखिबा प्रिय ईश्वर लोक माने आम पाई मध्य से बाणी अटे आज से वाक्य आम मान को मध्य कथा कहूछे यही अनिर्दिष्टता समय यही दुर्भिक्ष समय प्रति सुजोग को उत्तम भाव ईश्वर राज्य पाई व्यवहार करने आवश्यक अटे यही महामारी समय इसहाक भली परमेश्वर आम को मध्य साहाज्य करिबे एवं निश्चित भाव साहाज्य करिबे किंतु आम मानकर रेस्पोंसिबिलिटी आम मानकर दायित्व है आम मैंने संपूर्ण भाव निकट में आम मैंने समर्पित हवा आवश्यक आ निश्चित भाव सृजनात्मक भाव से सृजनात्मक चिंता आम मानक देवे से सृजनात्मक चिंता दे सृजनात्मक उपाय देवे एवं उत्तम बुद्धि देवे जे ये समस्त कार्य आम मैंने कि प्रकार भाव मैंने कर ईश्वर
सिद्ध लोक चाहती ठारे निर्भर करने लोक चाहती ठारे विश्वास करने लोक चाहती ठारे भरोसा करने लोक मान चाहती से दाऊद कहले गीत संहिता तार सतीश गीतर अठर एवं उन्नीस पदरे सदा प्रभु सिद्ध लोक मान दिन सब जानती और से मानकर अधिकार अनंत काल स्थायी हेब से माने विपद समय रे लज्जित हेबे नाही पुणी दुर्भिक्ष समय रे से माने परितृप्त हेबे। प्रिय बंधु बीज बुणीबार समय रे आ माने ए समस्त विषय को आ माने जानी रखो ईश्वरंकर प्रतिज्ञा को आ माने जानी रखो एवं आ माने कार्य रे आगे जाओ कारण ए आउछि गोटे उपयुक्त समय आउ ए समय रे आ माने ए प्रकार समस्त बीज आ माने बुणी पारिबा यह हूँ गोटे उपयुक्त समय जो समय कि गोटे विश्वास जीवन राव को प्रकाश करकटे आ मैंने अन्न लोक मान आने आशीर्वाद कारण हो पार एवं शांतिर कारण हो पार। प्रिय बंधुगण विश्वासी भाव आम मान दैनंदिन जीवन आम मान दैनंदिन व्यापार किभली अटे आज आम मैंने निज निज को आम प्रश्न पचार दरकार अटे आम निज निज को आम प्रश्न पचार चिंता करने आवश्यक अटे ईश्वर वाक्य आम मान कथा कह आज आम मान कथा कह जीवंत वाक्य आम मान निकट उपस्थित आम मान अंतर आम मान कर्णर से कथा कहते आम डेली बिजनेस दैनंदिन व्यापार परिस्थिति कि भली अच्छे ताकू बुझापे सजाड़ापे तेणु आसु आम ईश्वर उपस्थित आम मैंने दिन की आरंभ करवा ईश्वर वाक्य आम मैंने वृद्धि पाइबा एवं ईश्वर गौरव निम्ते आम मैंने कार्य कर चलवा प्रभु आम मान प्रत्येक को आशीर्वाद करतु आसतु आम मैंने प्रार्थना करवा आज उपासना को शेष करवा। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुम्हारे पवित्र नाम मैंने धन्यवाद दूचु प्रभु कारण तुम्हें आम मान सृष्टिकर्ता तुम्हें आम मान रक्षाकर्ता एवं तुम्हें आम मान पालनकर्ता तुम्हें आम मान सुंदर भाव तुम्हारी वाक्य द्वारा आम कथ कह आम जदि अजोग्य दीनहीन पापी मनुष्य हेले तुम्हें आम कौन पाप को गणना कल ना प्रभु आम मान क्षमा दल एवं सुजोग सुजोग प्रभु तुम्हें दे चलीअ से धन्यवाद दौ आम मान सचेतन करवाद दौ तुम्हारी वाक्य द्वारा तुम आम मान आज कथा कह से धन्यवाद दौ प्रभु आज वाक्य प्रभु आम मैंने जिते जन प्रभु शुणुचु प्रत्येक को तुम अनुग्रह कर जेपरी आम मैंने प्रत्येक तुम्हारी उपस्थित को उपलब्धि करने पारू और आम मान दिन की आरंभ करू एवं तुम्हारी वाक्य तुम्हारी सानिध्य उपलब्धि करू करू तुम्हारी वाक्यर वृद्धि पाइबा पारू एवं जो कार्य करू समस्त कार्य द्वारा तुमको गौरव देवा पारू से प्रकार अनुग्रह कर धन्यवाद पूजा प्रशंसा तुमको दे प्रिय प्रभु जीशु नाम से छोट प्रार्थना करें ईश्वर ख्रीष्टर अनुग्रह दया पवित्र आत्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम मान प्रत्येक सहवर्ती हूं आमेन।